जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम समाचार में आपका स्वागत है। सटीक मौसम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट निकल कर सामने आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बता दें दोस्तों, मौसम समाचार स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बता दें कि कहाँ कहाँ बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में वर्षा के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो देखिए। तो सिवनी पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। सिवनी में 60.4 mm, धनोरा 24.2 mm, केवलारी 24.2, कुरई 15, छपारा 12.7, ये सिवनी संभाग। और बालाघाट में देखिए, लाल बर्रा 52, तिरोड़ी 24, मलाजखंड 9.8 mm, और बारा सिवनी 5.1 mm, लांजी 5, बेहर 4, मंडला संभाग में देखिए, मवई 20.2, सिटी 18, नैनपुर 16.3 mm, मटियारी में 2 mm बारिश दर्ज हुई है। तो छिंदवाड़ा में देखिए, मोहखेड़ 15.4 mm, अमरवाड़ा 2.2 mm, और अनूपपुर सिटी में देखिए 14.6 mm, और जैतहरी में 7.2 mm, पुष्पराजगढ़ में देखिए 3, रीवा में हनुमाना 12.3 mm, जवा 1, और सिद्धि में देखिए सिहावल 10, मजौली में 6 mm बारिश दर्ज की गई, बहरी में 0.8 mm बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में ये बारिश दर्ज की गई। सिंगरौली में, सरई में 6.2, चितरंगी में 3.7 mm, और माड़ा में 0.8 mm बारिश दर्ज की गई। पन्ना में, अजयगढ़ में 6.1 mm वर्षा दर्ज की गई है। तो साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपके एरिया में, आपके गांव शहर में कितनी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, और साथ ही अपने स्टेट में देखिए। आगे बता दें आपको कि ग्वालियर की तपती ज़मीन पर शुक्रवार को बारिश की बूंदों से राहत मिली है। तो श्याम से हल्की रिमझिम बारिश से गर्म होता मौसम सुहावना हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन 10-10 मिनट तक 2 से 3 बार रिमझिम ने लोगों को आग लगती गर्मी से राहत दी है। तो मौसम विभाग की माने तो बता दें आपको कि 24 घंटे में यह रिमझिम का दौर जारी रहेगा। नमी मिलने से बादल बारिश में बदल गए हैं। तो वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 40.6 और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है ग्वालियर का। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों कि जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में मानसून के बाद शुरू हुए लू के थपेड़े बंद हो गए हैं। तो मौसम केंद्र भोपाल की माने तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं डिंडोरी में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जाहिर की है अगले 24 घंटों के लिए। यह मौसम अपडेट है दोस्तों। तो वही आपको बता दें कि आने वाले दिनों में 17 जिलों में बादल और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल केंद्र के अनुसार मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल में बादल छाए रहेंगे एवं कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी होगी। तो बता दें दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आप कौन सी जगह से, ताकि आपके लिए हम सटीक मौसम अपडेट लेकर आ सकें। और साथ ही खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।